प्रतिशोध ठीक नहीं होता। बालक पिपलाद ने जब होश संभाला तब औषधियों को अभिभावक के रूप में देखा। वृक्ष फल देते थे, पक्षी दाने लाते थे और मृग हरी वस्तुएं। औषधियां अपने राजा सोम से मांगकर अमृत की घूंटी पिपलाद को पिलाया करती थीं। यह दृश्य देखकर पिपलाद ने वृक्षों से पूछा, देखा यह जाता है कि मनुष्य माता पिता से, मनुष्य तथा वनस्पतियों से वनस्पति पैदा होते हैं, किंतु मैं आप वनस्पतियों का पुत्र होकर भी मनुष्य कैसे हो गया? इसके उत्तर में वनस्पतियों ने पिपलाद को उसके जन्म की कथा सुनाते हुए कहा, महर्षि दधीचि तुम्हारे पिता और सती प्राति थेई माता हैं। इस तरह तुम मनुष्य के ही पुत्र हो। तुम्हारे माता पिता हमें पुत्र की तरह मानते थे, अतः हम भी तुम्हें पुत्र ही मानती जा रही हैं। तुम्हारी माँ ने अपना पेट चीर कर तुम्हें पैदा किया था और हमें सौंप कर स्वयं सती हो गई थी। तुम्हारे माता पिता के मर जाने के बाद समूचा वन बहुत दिनों तक रोता रहा। वे हमें प्यार करते थे और हम सब उन्हें। इतना कहकर वनस्पतियां फूट फूट कर रो पड़ी। यह सुनकर बालक पिपलाद को बहुत विस्मय हुआ। उसने अपने माता पिता की कहानी जाननी चाहिए। वनस्पतियों ने उनके माता पिता को श्रद्धा से नमन कर उनकी जीवन गाथा आरंभ की। तुम्हारे पिता का नाम दधीचि था। उनमें सभी उत्तम गुण विद्यमान थे। तुम्हारी माता उत्तम कुल की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम गभस्तिनी था। वे लोपामुद्रा की बहन थी। तुम्हारे माता पिता ने तपस्या कर इतने सामर्थ्य अर्जन कर ले थे कि उनके आश्रम पर दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं हो पाता था। एक दिन विष्णु इंद्र आदि सभी देवता आश्रम में आए। दैत्यों पर विजय पाने से वे प्रसन्न थे। तुम्हारे माता पिता ने उनका भाव बिना सत्कार किया। देवताओं ने कहा, आप जैसे महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखते हैं तब हमारे लिए क्या दुर्लभ है। हमने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अब चाहते हैं कि अपने अस्त्र शस्त्र आपके आश्रम में रख दें, क्योंकि तीनों लोकों में आपका आश्रम ही निरापद स्थान है। यहाँ आपकी तपस्या के प्रभाव से दैत्य आदि प्रवेश नहीं कर पाते। उदार चेता मुनि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुम्हारी माता ने उन्हें रोकते हुए कहा, नाथ यह कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, इस काम में आप न पड़े। आप तो समदर्शी हैं, आपके लिए शत्रु मित्र बराबर हैं। अस्त्र शस्त्र रखने से दैत्य और दानव आपस में शत्रुता रखने लगेंगे। धरोहर रूप में किसी का धन रखना साधु पुरुषों के लिए उचित नहीं कहा गया है। महर्षि दधीचि ने कहा, देवता सृष्टि के रक्षक हैं और मैंने हाँ कर भी दिया है, इसलिए अब नहीं कहना अनुचित है। देवता अस्त्र शस्त्र आश्रम में रखकर चले गए। इधर दैत्य महर्षि से द्वेष करने लगे। महर्षि को चिंता हो कि दैत्य बड़े वीर तो हैं ही, साथ ही तपस्वी भी हैं। जब वे आक्रमण करेंगे तब मैं शस्त्रों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अस्त्र शस्त्रों की रक्षा के लिए एक उपाय किया। उन्होंने पवित्र जल को अभिमंत्रित कर उससे अस्त्र शस्त्रों को नहलाया और उस जल को स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, इसलिए वे धीरे धीरे नष्ट हो गए। बहुत दिनों के बाद देवता महर्षि के आश्रम में पहुंचे, क्योंकि उनके शत्रुओं ने फिर सिर उठाया था। महर्षि ने उन्हें बतलाया कि उन अस्त्रों की सुरक्षा के लिए उनका तेज मैंने पी लिया है, वे अब मेरी हड्डियों में मिल गए हैं। आप हड्डियां ही ले जाएं, मेरे शरीर का यह सुंदर उपयोग हो रहा है। महर्षि ने योग के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया, वे ही देवताओं की विजय के कारण बने। इस अवसर पर माता गभस्तिनी नदी तट पर गई थी। पार्वती की पूजा में लगे रहने से लौटने में देर हो गई थी। उस समय वे गर्भवती थीं। आश्रम में आने पर उन्होंने अपने पति देव को नहीं देखा। अग्नि देवता ने सारी घटना उन्हें सुना दी। उन्होंने पति के कार्य की सराहना की। फिर तीनों अग्नियों की पूजा करके अपना पेट चीर कर तुम्हें हाथ से निकाल दिया। तुम्हें हम लोगों को सौंप कर पति के केश आदि के साथ वे अग्नि में प्रवेश कर गईं। उस समय आश्रम का प्रत्येक प्राणी दुख से संतप्त होकर रो उठा। सब कह रहे थे कि दधीचि और प्रातिथेयी गभस्तिनी
जितना हमें प्यार देते थे उतना अपने माता पिता भी प्यार नहीं कर पाते। हमें धिक्कार है कि हम उनके दर्शनों से वंचित हो गए। अब यह बालक ही हम लोगों के लिए दधीची और प्रातिथेय है। वनस्पतियों ने कथा का उपसंहार करते हुए कहा कि यही कारण है कि हम वनवासी तुम्हें पुत्र से अधिक मानते हैं। बालक पिपलाद को अपनी कथा सुनकर बहुत दुख हुआ। माता ने पेट चीर कर जो उसे निकाला था, इस बात से उसे अधिक पीड़ा हुई और रोता हुआ बोला, मैं अभागा हूँ जो माता के कष्ट का कारण बना। मैं उनकी सेवा तो कुछ कर ही न सका। इसके बाद देवताओं के कृत्य पर उसे क्रोध हो आया। उसने कहा, मैं देवताओं से प्रतिशोध लूंगा, उन्होंने मेरे पिता का वध किया है, अतः मैं उनका वध करूंगा। वनस्पतियों ने समझाया कि प्रतिशोध ठीक नहीं होता, तुम्हारे माता पिता ने विश्व के हित के लिए आत्मदान किया है, तुम भी उन्हीं के पथ पर चलो। बच्चे के अंतःकरण में प्रतिशोध की भावना शांत नहीं हुई। उसने भगवान शंकर की प्रार्थना की कि शत्रुओं के नाश के लिए आप मुझे शक्ति दीजिए। भगवान ने उसे प्रतिज्ञा दी। पिपलाद ने उसे आज्ञा दी कि तू मेरे शत्रुओं को खा जा। देवता भाग खड़े हुए और उन्होंने भगवान शंकर की शरण ली। भगवान शंकर ने पिपलाद को समझाया कि तुम्हारे पिता ने विश्व के हित के लिए अपना प्राण दे दिया, उनके समान दयामय कौन होगा। तुम्हारी माता भी उन्हीं के साथ पतिलोक चली गई, उनकी समता किससे होगी। तुम भी अपने माता पिता के रास्ते पर चलो। तुम्हारे प्रताप से देवता संकट में पड़ गए हैं, उन्हें तुम बचाओ, यही तुम्हारा कर्तव्य है। प्रतिशोध अच्छा नहीं होता। पिपलाद शांत हो गया, उसने भगवान शंकर का उपदेश मान लिया। भगवान ने और देवताओं ने भी पिपलाद को वरदान मांगने को कहा। पिपलाद ने वर मांगा कि मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। दिव्य लोक से उसके माता पिता दिव्य विमान से उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र तुम धन्य हो, तुम्हारी कीर्ति स्वर्ग लोक तक पहुँच चुकी है, तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। वचन समाप्त होते ही आकाश से पिपलाद के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया।